हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूं सुरभि और आज हम बात करेंगे डॉग ब्रीड सेंट बर्नार्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंट बर्नार्ड का ओरिजिन इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर्स पे हुआ था। इसको वहाँ के मॉन्क्स ने डेवलप किया था बेसिकली एज अ रेस्क्यू डॉग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे बर्फ़ में काम करने के लिए। जैसे एवलांचेज आते थे तो ये सेंस कर लेते थे उसको और लोगों को एवलांचेज में से बचा के लाना। जैसे कोई अंदर स्नो के अंदर धंस गया है, जिसको वाइट डेथ भी बोला जाता है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे। और इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ के मॉन्क्स ने इसको एज अ रेस्क्यू डॉग डेवलप किया। लेकिन बाद में जब इनको अमेरिका ले आया गया तो इनको एज अ पेट भी लोग पालने लग गए, और तब इसको न्यूफाउंडलैंड से ब्रीड कराया गया, जिसको न्यूफी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कोट था वो लॉन्ग हो गया। जो पहले के सेंट बर्नार्ड थे जो 19th सेंचुरी में डेवलप किए गए थे, उनका कोट जो था वो शॉर्ट होता था, लेकिन इसकी वजह से इनकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं हुई लॉन्ग कोट होने की वजह से, बल्कि वो थोड़ा स्लिपरी हो गया, तो वो रेस्क्यू के काम में थोड़ा कम यूज़ आने लगा। तो जो रेस्क्यू डॉग होते हैं जो भी सेंट बर्नार्ड, वो अभी भी शॉर्ट कोट वाले ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। और बेसिकली सेंट बर्नार्ड जो है वो पहले सबसे पहले एक अच्छा रेस्क्यू डॉग है। एक सेंट बर्नार्ड था बैरी नाम का, जिसने 10 साल तक ओवर 40 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया था बर्फ़ के अंदर से। तो सेंट बर्नार्ड जो है बेसिकली एक जाइंट रेस्क्यू डॉग है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे कंपेनियन भी है, जिसकी वजह से इनको जेंटल जाइंट भी बोला जाता है। और अगर आप भी मेरी तरह डॉग के फैन रहे हैं बचपन से, और एक 80s या 90s की आप मूवीज़ देखते थे डॉग्स के बारे में, तो आपने देखा होगा कि हर क्रिसमस मूवी में वहाँ सेंट बर्नार्ड या गोल्डन रिट्रीवर तो होता ही था, क्योंकि सेंट बर्नार्ड है ही ऐसा कि उसको हमेशा आप स्नो के साथ ही इमेजिन करेंगे। सेंट बर्नार्ड का सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। ये 1000 फीट अवे से भी चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई स्नो के अंदर दबा हुआ है तो ये उसको स्मेल करके रेस्क्यू कर लेते हैं। अगर बात करें इसके फिजिकल अपीयरेंस की, तो इसके हेड की बात करें तो इसका हेड काफ़ी पावरफुल और ब्रॉड होता है। इसकी जो मज़ल होती है वो शॉर्ट होती है, इसकी नोज़ लार्ज होती है और डार्क कलर की होती है, जैसे डार्क ब्राउन होएगी या डार्क ब्लैक होएगी। इसकी जो आइज़ होती है वो ऑलमंड शेप की होती हैं और लार्ज होती हैं। इसका आइस के आसपास हमेशा डार्क कलर का रिम होगा। रिम का मतलब होता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी डॉग को, तो उसके आइस के आसपास हल्की सी आउटलाइन होगी, जैसे किसी ने स्केच पेन से आउटलाइन बनाई है, उसको हम रिम कहते हैं। तो वो जो रिम होता है सेंट बर्नार्ड का हमेशा डार्क होता है। सेंट बर्नार्ड के जो ईयर्स होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं। और जो ट्रायंगुलर होगा ना नीचे की तरफ, उसमें कभी भी ऐसा शार्पन नहीं आएगा, जैसे कि अगर आप देखें कि जैसे पमेरियन है या चिवावा है, उनके जो पॉइंटेड टाइप होते हैं ट्रायंगुलर, वो ऊपर की तरफ होते हैं। खैर, इनके जो नीचे की तरफ होते हैं उसमें जो ट्रायंगल जब आएगा नीचे से, तो हल्का सा कर्व आएगा, कभी भी पॉइंटेड नहीं रहेगा। और नीचे की तरफ जो ईयर्स होंगे वो एकदम ऐसे नहीं होंगे कि फेस से बिल्कुल चिपका हुआ है, हल्का सा ऊपर की तरफ हल्का सा उठे हुए होंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि फ्लिप ईयर्स हैं, नीचे की तरफ ही हैं लेकिन बिल्कुल ही चिपके हुए भी नहीं होंगे, जैसे कि लैब्राडोर के एकदम चिपके हुए ईयर्स होते हैं। कि जो बॉडी होती है ओवरऑल वो काफ़ी मस्कुलर होती है। इनकी लेग्स जो होती हैं वो काफ़ी सॉलिड होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, नेक इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ब्रॉड बैक होती है, जो इनको काफ़ी हेल्प करती है स्नो में रेस्क्यू करने के लिए लोगों को। इनकी जो टेल होती है वो लॉन्ग और हैवी होती है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग कोट वाले सेंट बर्नार्ड को देखेंगे, जो कि आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, कॉमन है, क्योंकि किसी की तरफ से भी लॉन्ग कोट वाले सेंट बर्नार्ड को ही शोज़ में लिया जाता है। तो इनके जो टेल होती है उस पर काफ़ी कोट होता है, फैदरी से लगती है वो। और इनकी जो टेल होती है वो वैसे तो नीचे की तरफ होती है, लेकिन जब ये भागते हैं या कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो उसके लिए ऊपर नीचे होती है, जैसे कि लैब्राडोर की टेल भी होती है ना, कई बार ऊपर नीचे होती है, और हल्का सा उसके एंड में जो टिप होती है उस पर जे टाइप बनता है। इनके कोट की बात करें तो ये जो है वाइट कोट कलर में पाए जाते हैं, इसमें सारे तरीके के पैच होते हैं, जैसे कि डार्क ब्राउन पैच होता है और डार्क ब्राउन के साथ रेडिश पैच होता है, तो ये बड़े बड़े पैच होते हैं इनके अंदर, और बेसिकली वाइट कलर के ऊपर ढेर सारे पैच होते हैं इनके, जिसको हम मार्किंग कहते हैं, जैसे कि स्पेशली ईयर्स पे पैच जरूर होंगे डार्क ब्राउन कलर के या रेडिश कलर के। इनके कोट के टाइप की बात की जाए तो ये दो टाइप के कोट वेरियंट में पाए जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक शॉर्ट होता है और एक
लॉन्ग होता है। शॉर्ट कोट जो होता है वो डेंस होता है, स्मूथ होता है और दोनों में ही अंडर लेयर कोट होता है। लॉन्ग कोट भी जो होता है वो फैदरी होता है और फेस पे शॉर्ट होता है, पूरे बॉडी पे लॉन्ग होगा, जैसे कि लेग्स पे लॉन्ग होगा, पेट पे लॉन्ग होगा, लेकिन फेस पे शॉर्ट होएगा और वो भी अंडर लेयर कोट होता है, यानी डबल लेयर कोट होता है। सेंट बर्नार्ड की ग्रूमिंग नीड्स की बात करी जाए तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक वो जाइंट ब्रीड है, अगर वो शेड कम भी करे या ज़्यादा भी करे तो भी उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, अगर आप ग्रूमिंग करने जाएंगे तो कम से कम आपको आधा घंटा तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ सेंट बर्नार्ड ठीक ठाक मतलब शेड होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम भी नहीं कह सकते, और सीजनल जो इनकी शेडिंग होती है वो तो मतलब ज़्यादा ही होती है, जैसे सब डॉग की सीजनल शेडिंग ज़्यादा ही होती है। तो हाँ, सेंट बर्नार्ड की शेडिंग पे आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और होती है कि अगर आप न्यूट्रिशनल डाइट नहीं देंगे, जैसे ओमेगा 3 फैट्स वगैरह नहीं मिलते हैं बालों को या स्किन को, तो उसकी वजह से भी शेडिंग कई बार ज़्यादा होती है डॉग्स के अंदर। और इतना बड़ा जो डॉग होता है उसको तो प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड चाहिए होता है, तो अगर आप प्रॉपर डाइट पे ध्यान नहीं रखेंगे तो इनकी शेडिंग और भी ज़्यादा हो सकती है। और इनकी डेली ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, डेली नहीं तो आप वीकली मतलब वीक में 2-3 बार ग्रूमिंग करना तो इनकी बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये है क्योंकि ये एक्टिव डॉग ब्रीड है, तो अगर ये बाहर खेलने कूदने जाएंगे तो वहाँ से गंदे होके आ जाएंगे, और स्पेशली लॉन्ग कोट वाला सेंट बर्नार्ड है तो आपको कई बार इन्हें नहलाना पड़ सकता है। और ये देख के कि इतनी बड़ी साइज़ की ब्रीड है, जाइंट ब्रीड है, तो हाँ इनकी ग्रूमिंग थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। और मैं इतनी देर से कई बार बोल चुकी हूँ कि एक जाइंट ब्रीड है, लेकिन मैंने इसकी वेट और हाइट नहीं बताया, तो उसके लिए सॉरी। तो इसके अंदर जो फीमेल होती है उसका वेट जो होता है वो होता है 54 से लेके 64 केजी तक, और जो मेल होता है उसका वेट होता है 64 से लेके 82 केजी तक। वहीं पे इसकी हाइट की बात की जाए तो मेल के अंदर इसकी हाइट होती है 70 से लेके 90 सेंटीमीटर तक, और फीमेल के अंदर होती है 65 से लेके 80 सेंटीमीटर तक। इनकी ट्रेनिंग और बिहेवियर की बात की जाए तो ये ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा इजी डॉग है। ये आप जितने भी रेस्क्यू डॉग देख लेंगे वो बहुत ही इजी होते हैं ट्रेनिंग में, क्योंकि उनको ना अच्छा लगता है ट्रेनिंग कराना, तो ये बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग कुछ भी सीख लेते हैं, जैसे 2-3 दिन के अंदर ये सेट वगैरह आराम से सीख लेंगे जो इनका पपी होता है। और ये सबके साथ ही बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसलिए इनको जेंटल जाइंट बोला जाता है। तो अगर ये बच्चों के साथ भी रहेंगे, मान लीजिए अगर आपका बच्चा जो है 12-13 साल का है और वो भी अगर आपके सेंट बर्नार्ड को ट्रेनिंग कराएगा तो ये उससे भी हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है, तो ये ट्रेनिंग में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। बिहेवियर की बात करें तो ये बहुत ही जेंटल ब्रीड है और ये सबको ही प्यार करते हैं, इनको बच्चे पसंद हैं, दूसरे एनिमल्स पसंद हैं, पेट्स पसंद हैं, तो इनको कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं रहती है। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि सेंट बर्नार्ड एक एक्टिव ब्रीड है तो इन्हें बाहर खेलना कूदना अच्छा लगता है। ये बात सही है कि कई बार ये घर में जैसे सोने लगते हैं बेड वगैरह पे या उस पे तो थोड़े लेजी हो जाते हैं कई बार, पर हाँ इनको खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है और इनके लिए ज़रूरी भी है। सेंट बर्नार्ड के हेल्थ की बात करें तो सेंट बर्नार्ड को हिप और एल्बो डिप्लेशिया हो सकता है, जो कि सारी बड़ी ब्रीड्स के अंदर बहुत कॉमन चीज़ है। और सेंट बर्नार्ड को हीट से भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये सर्दी में रहने वाले डॉग हैं, तो अगर आप इनको सिटी में रखेंगे जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह, तो यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वैसे भी इन्हें घूमना फिरना ज़रूरी है, और अगर ये घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो ओबेसिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और घूमना फिरना जाइंट डॉग के लिए बस ये नहीं होता कि आधा घंटा या एक घंटा सुबह वॉक करा दी, उसका मतलब होता है कि वो प्रॉपर भागें, कूदें, हवा लें 2-3 घंटे, मजे से भागें, ये नहीं कि ट्रैफिक में भाग रहे हैं। तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो उससे भी इनको कई सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। इनको आइस के भी इश्यू होते हैं जिसकी वजह से कई बार इनको सर्जरी करानी पड़ जाती है, पर वो एक डिफरेंट मैटर है, सबके अंदर नहीं होता है, पर हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत। और अगर आप इनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड नहीं देंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया कि एक जाइंट के लिए क्या, हर डॉग के लिए उसके ब्रीड के हिसाब से, या फिर ब्रीड नहीं है नॉन ब्रीडेड है तो उसके साइज़ के हिसाब से एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप वो नहीं देंगे, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि ये हमेशा ड्रूल करते रहते हैं, मतलब इनके जो चीक्स होते हैं वो लूज़ होते हैं, तो वो नीचे की तरफ हमेशा लटके रहते हैं, उसमें से हमेशा सलाइवा गिरता रहता है, स्पेशली अगर गर्मी हो तो जब भी वो पानी पियेंगे तो पानी गिरता रहेगा, या बाहर खेल कूद के आएंगे तो सलाइवा गिरता रहेगा, जिसकी वजह से कई बार उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हमेशा एक साफ टॉवल से, साफ पानी से हमेशा क्लीन करते रहें, स्पेशली जब भी आपको लगे कि ड्रूलिंग हो रही है आपके सेंट बर्नार्ड के अंदर।
ओवरऑल बात करें तो सेंट बर्नार्ड जो है वो सबके साथ ही बहुत ही फ्रेंडली रहता है, बहुत ही जेंटल डॉग है, ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जो ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा नेचर है, मतलब कि जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी है, माउंटेन्स है और कोल्ड वेदर रहता है, तो सेंट बर्नार्ड वहाँ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सेंट बर्नार्ड को खेलना कूदना भागना ये सब बहुत पसंद होता है। अगर आप कोई जाइंट ब्रीड ढूंढ रहे हैं जो सबके साथ अच्छे से रहे, हाँ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी होते हैं सेंट बर्नार्ड, तो एक अच्छे वॉच डॉग भी हो सकते हैं। इनको अच्छा गार्ड डॉग नहीं कहूँगी मैं क्योंकि सेंट बर्नार्ड काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कुछ सेंट बर्नार्ड गार्डिंग भी होते हैं क्योंकि ये अपने जो फैमिली है, जो पैक है, उसके प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। तो सेंट बर्नार्ड काफ़ी हैप्पी हेल्दी डॉग है, अगर इसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाए तो ये काफ़ी हीरोइक डॉग है, तो इसको प्रॉपर जगह भी वैसी ही चाहिए। हाँ, जाने से पहले एक छोटा सा क्विज भी है आप लोगों के लिए। सेंट बर्नार्ड को दो और नामों से जाना जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करना, कोई एक भी नाम पता हो तो भी। तो हमारी आज की वीडियो सेंट बर्नार्ड डॉग के बारे में, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।